हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक जो आपने पहले भी सुना होगा, इसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, और इसका जो प्रोसीजर है आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। और लास्ट में हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, होपिंग यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स पर। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स व्हाट? वन। और क्या बोले? क्यूब रूट ऑफ वन। तो क्यूब रूट ऑफ वन क्या होता है? वन, बराबर। बट हम लोग कभी भी स्क्वायर रूट निकालते थे, हमें दो रूट मिलते थे। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो कितने रूट मिलने चाहिए? तीन। तो बाकी के दो रूट किधर गए? तो उसके लिए क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? लेट, वहां पर हम लोग एक्स लेते थे, यहां पर भी एक्स ही ले लेंगे। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा ले लेते हैं। यूनिटी मीन्स वन, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन हो जाएगा, या फिर एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वन, या फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। आप क्या करेंगे? एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। आप यहां पर देखो, वन का क्यूब ले लेते हैं यहां पे, मतलब वन का क्यूब तो वन ही होता है। तो यहां पर देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, वो क्या होता है? ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही करना है, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, ए बी मतलब एक्स इंटू वन प्लस बी का स्क्वायर मतलब वन इक्वल टू जीरो। दो रूट मिल रहे हैं, देखो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको एक्स इक्वल टू वन लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा एक रूट। इसको आप हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में करते हैं ना, फॉर्मूला मेथड वैसे सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। तो माइनस बी मतलब माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, इधर पे वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए ए इंटू सी मतलब फोर इंटू वन इंटू वन होल डिवाइडेड बाई टू इंटू ए, ए यहाँ पर क्या है? वन। ठीक है, आप यहाँ पर देखो माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है? वन, फोर इंटू वन से करेंगे फोर डिवाइडेड बाई टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री, तो ब्रैकेट रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर हम लोग को एक्स के दो वैल्यूज मिलेंगे, देखो कैसे, माइनस प्लस माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री है। अब माइनस थ्री मतलब रूट के अंदर माइनस थ्री होगा, तो मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? माइनस रूट थ्री रहेगा तो इसको हम लोग रूट थ्री आई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर वही करने वाला हूं, क्या करूंगा? थ्री इंटू आई डिवाइडेड बाई टू। तो यहां पे हमें दो रूट मिले, क्या मिला? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास तीन रूट हो गए, वन टू थ्री। तो थ्री रूट हम लोग ने निकाल लिए। अब क्या करना है, यहां पे एक चीज बता देता हूं, कंसिडर करते इसको, क्या करेंगे? इसको कंसिडर करेंगे तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू, ये क्या है? हमारा एक्स है। आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर ले लेते तो आपको समझ में आएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। स्क्वायर ले रहा हूं, एक रूट को पकड़ा, ये वाले रूट को स्क्वायर लूंगा। तो देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे भी स्क्वायर जाएगा तो टू का स्क्वायर। तो मैं सिंपली इसको डिवाइडेड बाई फोर लिखता हूं। माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस वन का स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस टू इंटू माइनस वन इंटू रूट थ्री प्लस रूट थ्री आई का स्क्वायर, इधर पे आई रह गया, रूट थ्री आई का स्क्वायर। ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन प्लस, अभी देखो टू इंटू रूट थ्री आई माइनस वन, तो इधर पे माइनस आ जाएगा बाहर, टू इंटू रूट थ्री टू रूट थ्री आई, और लास्ट वाला टर्म रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है? थ्री। आई का स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन। तो ये क्या जाएगा? थ्री इंटू माइनस वन, और माइनस वन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके आगे क्या आ जाएगा? माइनस थ्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय फोर। अब ये क्या है? वन माइनस थ्री क्या हो जाएगा? माइनस टू डिवाइडेड बाय फोर। न्यूमिरेटर में देखो टू से डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में टू से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करें? सिंपली डिवाइड कर देते, क्या बचेगा? माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाय टू। इसको देखो ये कैसा दिख रहा है, इसके साथ दिख रहा है बराबर। तो मतलब अभी ध्यान दोगे ना, अगर इसको हम लोग ओमेगा पकड़ दें, क्या पकड़ते हैं? ओमेगा मतलब ये जो टर्म है ना,
ये ओमेगा पकड़ा था, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो हमें यहां पर देखो तीन रूट्स मिल गए, एक वन मिला, देखो क्या लिखेंगे, द क्यूब रूट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तीन रूट्स मिले, पहला क्या मिला वन मिला, दूसरा क्या मिला इसको ओमेगा लिखते हैं, और तीसरा देखो ये तीसरा वाला जो वैल्यू वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर, यहां पर क्या लिखते हैं वेयर ओमेगा, क्या ओमेगा क्या हमारा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई होल डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब यहां पर देखो हम लोग इधर पे क्या ले सकते हैं, अभी हमें हमारे तीन रूट्स मिल गए तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, ये भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, जैसे हम लोग ने एक्स को लिया था वैसे ओमेगा को भी ले सकते हैं आप, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो लिखा है यहां पर, अब यहां पर ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वापस, ठीक है, सिमिलर वे में जैसे फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया वहां यहां पर भी कर दो, अब देखो सिमिलरली यहां पर भी वही करना है और इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू वन मिल जाएगा। बट हमारा ओमेगा इक्वल टू वन है क्या, नहीं, ओमेगा हमारा क्या ये है, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको सम करने में हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और यहां पर एक और चीज देख लो, समझ लो ओमेगा रेस टू फोर दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब क्या हमारा वन, तो वन इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा रेस टू फाइव रहेगा तो सिमिलर वे में ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होता है वन, ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, समझ में आया। तो हमने हमारे वैल्यूज कार्टेशियन फॉर्म में देख ली, अब हम लोग देखने वाले हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमारे तीनों वैल्यू क्या है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये कार्टेशियन फॉर्म में वैल्यूज हैं। सबसे पहले वैल्यू को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे, कैसे हो जाएगा उसको, एक्स लेते हैं, एक्स इक्वल टू वन हो गया, वन मीन्स वॉट प्लस जीरो आई भी लिख सकते हैं, बराबर जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो होने वाला है, ठीक है। अब इसे लिखने से पहले हम लोग एक यहाँ पर एक चीज देखते हैं एंगल के लिए, ये क्या होता है जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू और ये टू पाई भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले हम लोग को पहला टर्म क्या होना चाहिए हमेशा पोलर फॉर्म में, पहला कॉस होता है फिर साइन होता है, बराबर, तो कॉस पे वन और साइन का जीरो कौन से थीटा पर होता है, ध्यान करो, तो वो होता है जीरो पे, कॉस जीरो प्लस साइन जीरो, इधर पे आई लिख दिया, मगर और देखो यहां पर अगर समझ लो मैं इसको लिखता हूं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, ई रेस टू जीरो आई लिख सकता हूं, फिर ये क्या हो जाएगा वन, वापस एनीथिंग रेस टू जीरो वन हो जाएगा। तो इसे ऐसे लिखने से हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जीरो मतलब क्या है हमारा टू पाई भी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कॉस टू पाई प्लस आई साइन टू पाई, ठीक है। अब यहां पर देखो कॉस टू पाई मिल गया हमें, थीटास मिल गई, हम लोग क्या करेंगे इसको ई रेस टू टू पाई आई, पहला वाला आ गया। सेकंड को देखो फटाफट, वैसे ही ओमेगा मतलब एक्स लिखते हैं यहां पर वापस से, वो क्या है ओमेगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आई माइनस वन बाई टू, माइनस को साइड में रखो, कॉस का कौन सा वैल्यू वन बाई टू और रूट थ्री बाई टू होता है, तो कॉस थर्टी होता है वन बाई टू और ये होता है अपना थर्टी पर साइन रूट थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस थर्टी मतलब पाए बाय सिक्स आई साइन पाए बाय सिक्स, मगर देखो ये माइनस में तो माइनस को अंदर लेने के टाइम हम लोग कैसे करेंगे, एंगल को अलाइड एंगल की हेल्प से करेंगे, कॉस का कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है अभी देखो, और साइन का पॉजिटिव होता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे कॉस यहां पर कहीं पर आएगा हमारा एंगल 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री,
यहां पर साइन तो पहले से पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन चेंज ही नहीं होगा। आई साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है। माइनस करो थ्री वन से थ्री, थ्री माइनस टू, तो ये हो जाए कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन टू पाई बाय थ्री। इसे ऐसे लिख सकते हैं, अभी देखो पोलार में मिल गया, एक्सपोनेंशियल में लिखना कुछ हार्ड नहीं है, टू पाई बाय थ्री आई, ये मिल गया हमें ओमेगा मतलब एक्स सेकेंड वैल्यू, हाँ इसको ओमेगा हो गया। और लास्ट एक्स हमारा क्या है, ये वाला माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू, लेकिन हम लोग ने इसको सॉल्व किया था तो ये क्या हो रहा था, ओमेगा स्क्वायर हो रहा था, बराबर ओमेगा स्क्वायर हो रहा था, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा ई रेस टू टू पाई आई डिवाइडेड बाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट। टू से देखो अभी इंडेक्सेस का रूल क्या बोलता है, पावर में रहेगा तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है, मतलब ये क्या जाएगा टू पाई आई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू ई रेस टू फोर पाई आई बाई थ्री, ये क्या मिल गया हमें ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखो तीनों मिल गए, तीनों मिल गए कि नहीं मिल गए, तो आप ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको ऐसे सॉल्व करके लिखना है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग इन फॉर्मूलास और इन चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।